आइए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या गिवन है? क्वेश्चन सिक्स में बोल रहा है कॉपर वायर है डायमीटर गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है डायमीटर इक्वल टू दिया हुआ 0.5 mm और मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 10^-3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये डायमीटर है तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बाई 2। ये हो गया 0.5 × 10^-3 डिवाइडेड बाई 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.224 और 2 × 10 यानी क्या हो जाएगा 0.25 × 10^-3। ठीक है, ये मीटर में आ गया। क्लियर है? यहाँ पे मीटर देखा तो डायमीटर पता चल गया क्योंकि मिलीमीटर इज नॉट एस आई यूनिट ऑफ डायमीटर, एस आई यूनिट ऑफ डायमीटर इज मीटर। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि रेसिस्टिविटी को रॉस इग्नोर करते हैं। रेसिस्टिविटी 1.6 × 10^-8 ओम मीटर। क्लियर है? रेसिस्टिविटी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द दिस वायर, लेंथ क्या होगा टू मेक अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। तो सबसे पहले लेंथ फाइंड करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? रॉ इक्वल टू आर ए बाई एल। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल इक्वल टू रॉ यहाँ पे आ जाएगा तो आर ए बाई क्या हो जाएगा? एल। और ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बाई एल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या? एल इक्वल टू रॉ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू रेसिस्टेंस 10 दिया हुआ है, एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस दिया हुआ है कितना 0.25 × 10^-3 × 10^-6 डिवाइडेड बाय क्या होगा? रॉ का वैल्यू दिया हुआ है, ये मटेरियल किसका है? कॉपर, 1.6 × 10^-8। ठीक है, अब ये 10^-8 को यहाँ पे लाएंगे तो प्लस में 10^+2 हो जाएगा और ये 3। तो एक स्टेप और ले जाते हैं तो ये एक प्लस में है और ये यहाँ से आएगा यहाँ पे तो 10^8 और 10^9 हो जाएगा प्लस में। 9 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में 3 बचेगा तो ये हो गया 3.14 × 0.25 × 0.25 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 1.6 और ये ऊपर चला गया तो 10^3 पॉजिटिव में बचेगा। कैसे? -8 है यहाँ पे आएगा तो ये प्लस में बच जाएगा और ये 9 में 6 जाएगा तो +3 में बचेगा और ये पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्स 1.227 मीटर लेंथ ऑफ द वायर। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आप लोग देख सकते हैं ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, यही आंसर है लेंथ। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर डायमीटर को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या चेंज होगा। तो नाउ बोल रहे हैं इफ डायमीटर ऑफ वायर बिकम्स 2 times of original। तो देखिए सिंस हम लोग जानते हैं कि रेडियस इक्वल टू क्या होता है? डी बाई 2। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 आर। ओरिजिनल सिंस बात कर रहा हूं कि ओरिजिनल रेसिस्टेंस क्या होगा तो ओरिजिनल रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं आर। आर इक्वल टू होता है रॉ एल बाई ए, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है तो रॉ एल बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे हम लोग बोलेंगे कि आर इक्वल टू क्या होता है? डी बाई 2। तो डी बाई 2 पुट करेंगे, डी के टर्म में ला रहा हूं, डी के टर्म में तो रॉ एल बाई पाई और यहाँ पे डी पुट करेंगे आर इक्वल टू डी के टर्म में तो क्या हो जाएगा? डी बाई 2 मतलब डी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 को यहाँ ले जाता है। तो ये क्या हो गया? ओरिजिनल रेसिस्टेंस। अब व्हेन ये कंडीशन बोल रहा हूं कि व्हेन डी इक्वल टू अगर 2d हो जाएगा तो न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा? न्यू रेसिस्टेंस को अगर आरडेस मानेंगे तो आरडेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 रॉ एल, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा? पाई, और डी की जगह पर क्या हो जाएगा? डी इक्वल टू 2d है ना, तो क्या हो जाएगा? 2d का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 रॉ एल बाई पाई इंटू 4d स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रॉ एल बाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। अब दोनों का अगर रेशियो करेंगे, नाउ रेशियो क्या होगा?
ये दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं तो रेशियो हो जाएगा आर डेस बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर डेस है रॉ एल बाई पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया क्या फोर रॉ एल बाई पाई डी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो आर डेस इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई फोर टाइम्स ऑफ द ऑरिजिनल। तो हेंस कहेंगे कि न्यू रेसिस्टेंस बिकम्स न्यू रेसिस्टेंस बिकम्स वन बाई फोर्थ ऑफ ऑरिजिनल, वन बाई फोर्थ ऑफ ऑरिजिनल। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।